महिंद्रा की ट्रियो है, तीन पहिया गाड़ी है और 130 किलोमीटर के रेंज के साथ में आती है और एक बड़ी बैटरी और एक ज़्यादा पावर के साथ में आती है, तीन लोगों को बिठाती है। फुल साइज़ का रिक्शा है, आपको आमने सामने मुंह करके लोगों को नहीं बिठाना, सामने सामने मुंह करके बिठाना है, मतलब कमाल की गाड़ी है। अब इस कमाल की गाड़ी के बारे में कुछ कमाल कमाल की बातें और कुछ कमाल की स्कीम्स इसके ऊपर चल रही, जिससे कि आप इसको अपना बना सकते हो, क्योंकि अब बाइंग एन ईजी हो गया है और भी ईजी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कम कीमत देनी है, कम डाउन पेमेंट और कम किश्त देनी है, उसके बाद भी गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी महिंद्रा जैसे ब्रांड वाली। और भी बहुत सारे ब्रांडों के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं सोचा बात कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको मज़ा आएगा, वीडियो में आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर गाड़ी आपका मन नहीं है ना लेने का, तब भी आप एक बार देख ज़रूर लेना, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी ई रिक्शा लेने की बात है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें आपके लिए हैं, जिससे कि आप बहुत सारे ई रिक्शाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बियॉन्ड द व्हील्स और भाई ये है पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों ये महिंद्रा का जो ट्रियो है ईवी वाला, इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखेगी, सामने की तरफ डीएनए आता है महिंद्रा का। देखो यहाँ महिंद्रा की ये ग्रिल दिख रही है आपको, ये कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश करी, भाई महिंद्रा के घर से गाड़ी ले रहे हो, महिंद्रा का भरोसा ले रहे हो, ये 3D में अगर महिंद्रा का क्रोम में ब्लैक पियानो में लोगो आ रहा है, तो आपको कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। और जो चीज़ मिल रही है इसके अंदर वो अनमैच्ड है, क्योंकि ईवी थ्री व्हीलर है ना, बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, ये एरोडायनेमिक हवा वगैरह पास कर देगी, थोड़ी रेंज बढ़ाने में मदद करती है। साथ में ये जो हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं ना, ये बढ़िया आते हैं, उनका थ्रो बढ़िया है, रात को अगर आप जैसे चलाओगे गाड़ी, तीन पहिया गाड़ी है, 55 की स्पीड टॉप स्पीड है, तो आपको बढ़िया सा दिखने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सामने की तरफ एक छोटा सा मडगार्ड, 12 इंच के टायर आते हैं और इसमें ब्रेक आते हैं। जनरली जो है ना, आजकल थ्री व्हीलर वाली कंपनियां कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सामने के ब्रेक छोड़ दे रही है, बट इसमें सामने ब्रेक आता है और अच्छे से लगता भी है। 70-60% ब्रेकिंग फोर्स आपका फ्रंट से ही आता है, वो सारी चीज़ें। तो वो ड्राइवर की एरिया में एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारी जगह है, फिर पैसेंजर के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। ये एक सरकारी नियम है और फिर महिंद्रा ने अच्छे से, ये नहीं कि सिर्फ नियम है तो करके दे दिया, ये अच्छे से करके दिया हुआ है। अब इस गाड़ी की जो कीमत आती है वो लगभग 3.5 लाख रुपये आती है, आप सुन के घबरा मत जाना। अब ये गाड़ी क्यों आती है, क्योंकि इसमें जो है वो 7.37 किलोवाट की बैटरी लगी है और इस गाड़ी का जो रेंज क्लेम करते हैं महिंद्रा, वो लगभग 130 का करते हैं। अब अगर आपको पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं गाड़ी के बारे में, तो बता ही रहा हूँ। तो 130 का रेंज क्लेम करते हैं, इतना बड़ा बैटरी और 8 किलोवाट का पावर जो है इसकी मोटर जनरेट करती है और 55 की टॉप स्पीड आती है। मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें एक थ्री व्हीलर मिलती है, तो प्राइस तो मुझे लगता है ठीक है, पोस्ट सब्सिडी अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 लाख रुपये का प्राइस है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो बैटरी है वो इसकी 30-40% कॉस्ट जो है उसकी बैटरी की होती है, तो अगर 30-40% कॉस्ट बैटरी की, तो सोचो कितना बड़ा जो अमाउंट है वो टुवर्ड्स द बैटरी जा रहा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको इस गाड़ी को फाइनेंस कराना है, तो आप कहोगे कि यार 3.5 लाख रुपये की गाड़ी है, काफ़ी सारी किस्त आएगी, तो मुझे भी पता है यार काफ़ी सारी किस्त आएगी। तो आपकी किस्त कम करने के लिए, डाउन पेमेंट करने के लिए विद्युत फाइनेंस ने एक बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी पूरी खरीद लो और बैटरी रेंट पर ले लो। अब समझ में नहीं आएगा ऐसे कहने में, अटपटा लगता है क्योंकि नया नया कुछ मार्केट में आया है, पर कमाल की चीज़ आई है, मैंने एनालिसिस किया पेपर के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप क्या करोगे कि आपको जो गाड़ी का मान लो 30-40% कॉस्ट जो है ना, वो आपको देना नहीं कभी भी, तो बचा हुआ जो बैलेंस पेमेंट है गाड़ी का, जो चैसी का और बाकी चीज़ों का, मोटर वगैरह का, जो पूरा ओवरऑल बैटरी छोड़ के जो भी बैलेंस पेमेंट है वो आपने पे कर दिया। कैसे कर दिया आपने? उसको फाइनेंस करा दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, फाइनेंस करा लिया और उसी अमाउंट पे किस्त आ गई। मान लो इस गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपये, मोटा मोटा एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये की बैटरी हो गई, तो बचे कितने पैसे? 2 लाख रुपये। अब 2 लाख रुपये का आपने फाइनेंस करा दिया, मान लो 50,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो सिर्फ 1.5 लाख रुपये बचा। तो 1.5 लाख रुपये पर आप सोचो आप 3 साल के लिए कितनी सी किस्त आएगी, क्योंकि अभी जो किस्त आप 3 लाख पे देने वाले थे वो 1.5 लाख पे दे रहे हो। अब आप कहोगे भाई फिर बैटरी का पैसा कौन देगा? तो बैटरी का पैसा मत दो, बैटरी तो आपने खरीदी नहीं, बैटरी तो आपने रेंट करी है ना, तो रेंट का पैसा दे दो। जैसे हम घर में किराया देते हैं, भाई महीना खत्म हो जाता है जितना हम यूज़ कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें क्या सिस्टम है, जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाते हो उतने ही किलोमीटर के लिए आपको रेंट देना है। वो इनका सिस्टम लगा होता है, इसके अंदर डिवाइस लगा हुआ है, उस डिवाइस के हिसाब से उनको पता रहता है कि भाई कितना गाड़ी जो है उन्होंने चला ली है, उसके हिसाब से आपको रेंट देना है। अब महीने में आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतना कम जो है आपका रेंट आएगा। और इसमें 3 फायदे हैं, देखो डाउन पेमेंट कम हो गया, किस्त कम हो गई, हमें एक बैटरी की जगह जो क्या देना है रेंट ही देना है, तो बैटरी का प्राइस भी ओवरऑल कम हो गया। बट एक चीज़ और है कि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट देते हैं, महिंद्रा क्या देता है 80,000 किलोमीटर या 3 साल, बट ये लाइफ टाइम फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट देते कि आप इतने सर्टेन किलोमीटर चला लो, हर गाड़ी के लिए अलग अलग, क्योंकि इन्होंने सिर्फ महिंद्रा से नहीं करा हुआ, बहुत सारे लोगों से विद्युत फाइनेंस का टाइप है। तो वो कहते हैं कि भाई आप चला लो और चलाने के बाद में क्या होगा कि भाई आप हमें जो है वो बैटरी हम फ्री में रिप्लेस करके दे देंगे, तो लाइफ टाइम बैटरी वारंटी जो कि कमाल की चीज़ है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा एक चीज़ और, जब नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको सब्सिडी मिलती है, 13% ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे इस गाड़ी का जो कीमत है वो 4.25 लाख रुपये, 4 लाख के आसपास आता है। सब्सिडी के बाद में अगर आप बात करो इसमें लगभग 70,000 के आसपास आपको बैटरी पर सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी सिर्फ बैटरी पर मिलती है, गाड़ी पर कभी नहीं मिलती, याद रखना। पहली बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती, ये भी याद रखना। तो आप जब दोबारा बैटरी रिप्लेस कराओगे 3 साल बाद 4 साल बाद, जब आपके उतने किलोमीटर हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप विद्युत फाइनेंस से रेंट दे रहे हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना, वो आपको फ्री में बैटरी रिप्लेस करके देंगे,
तो वो जो एक बड़ा लमसम खर्चा है ना वो आपका बच जाएगा, जो कि एक अमाल की चीज़ इसके बारे में होने वाली है। साथ ही साथ एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको 1.5 साल बाद मन भर गया, थोड़े टाइम बाद मन भर गया, तो ये बायबैक कर लेते। मार्केट में फिलहाल बहुत ही कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं जो गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली पुरानी खरीद रहे हैं। ये पुरानी गाड़ी खरीदने तैयार है, आपने खरीद ली, चला ली, मन भर लिया, पैसा कमा लिया, उसके बाद आप रेंट पर बैटरी लेके आप इनको गाड़ी वापस कर दो। ये गाड़ी की एक एनालिसिस करते हैं कीमत की, भाई आज की डेट में मार्केट में गाड़ी की क्या वैल्यू है, और उतनी भी आपको खरीद लेंगे। तो ये बाय बैक भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। और इनके बारे में एक कमाल की चीज़ है कि अगर आपको गाड़ी नहीं भी खरीदनी है तो ड्राइवर भी एक्वायर करते हैं, तो ड्राइवर भी हायर करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं उनके लिए इन्होंने जो गाड़ियां दे रखी है ना, उन गाड़ियों में ड्राइवरों के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो नीचे एक नंबर आ रहा है, वहाँ पर जाकर इंक्वायरी डालो, वो नंबर पर कॉल वॉल लगाओ, फोन वोन लगाओ, आपको सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे आपको, कमेंट में भी लिंक मिल जाएंगे, देख लो, बहुत सही सिस्टम है यार इनका। अब गाड़ी पर वापस आता हूँ और गाड़ी भी समझा दूँ, स्कीम बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, मैंने सोचा बता ही देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ट्रियो का ये स्टिकर आता है, दोनों स्टिकर बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे एलईडी आने चाहिए थे बट एलईडी नहीं आते, नॉर्मल वाली लाइट्स देखने को मिलती है महिंद्रा का। यहाँ पे बढ़िया सा जो है वो आपको एम्बोजिंग देखने को मिल जाएगा। पीछे से गाड़ी ना एक्चुअली कुछ बहुत अतरंगी नहीं करा, वो जैसे आपने जनरली ऑटो रिक्शो देखने की मन है ना, वैसे ही ऑटो रिक्शो जैसा आता है, थ्री व्हीलर ही है और चौड़ा है, तो तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे, अंदर बैठ के बात करेंगे, तो वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। बाकी आप देखो काफ़ी बढ़िया सा जो है पीछे की तरफ एक बंपर गार्ड लगा है, कि अगर कोई गाड़ी वाला मतलब बाइक वाइक वाली नहीं होती, उनकी आदत टच वच करने की, वो नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया प्लेन सा एकदम गाड़ी आता है। अच्छा, ये वाला डोर खुलता नहीं है सेफ्टी के लिए, क्योंकि जनरली इधर से सड़क चल रही होती है ना, तो आपकी सेफ्टी बहुत रहती थी, महिंद्रा ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल भी आता है ताकि सवारियाँ वगैरह जब बैठे तो वो पकड़ के बैठ सकते हैं। अच्छा, बैटरी जो इसकी है ना 7.37 किलोवाट की, वो यहाँ प्लेस होती है, लिथियम आयन वाली बैटरी, मतलब अच्छी बैटरी, तभी इतनी अच्छी रेंज दे पाती है। 3.5 घंटे के आसपास वो बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, होम चार्जिंग के साथ में, फास्ट चार्जिंग की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मल ऑफ बोर्ड चार्जर आता है, आप चार्जर लगाओ, केबल लगाओ 16 amp के सॉकेट में, 3.5 घंटे के आसपास बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी, वो एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको ड्राइवर केबिन में अंदर जाने के बताऊं कि देखो भाई, ड्राइवर सीट पे अगर हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट सी सीट है, आपको सीट कवर लगवाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये आपको एक्सेलेटर वगैरह देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड न्यूट्रल रिवर्स के यहीं पे मोड मिल जाते हैं। वो पहले एक्चुअली नीचे जो आते थे ना, वो मुझे जो इनकी और भी महिंद्रा गाड़ी वो अच्छी नहीं लगती, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बूस्ट और इकोनॉमी मोड मिलता है, इकोनॉमी मोड में थोड़ी सी कम स्पीड 40 के आसपास लिमिटेड है, बूस्ट मोड में 55 तक स्पीड मिलेगी। घाट वाट चढ़ा रहे हो, पूरी गाड़ी भरी हुई है आपकी, ज़्यादा पावर पुश की जरूरत है, तो आप बूस्ट मोड में चलाओ, जनरली इकोनॉमी में चलाना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे इसका थ्रॉटल है महिंद्रा इलेक्ट्रिक का, यहाँ पे एक पूरा एम्बोसिंग है। बाकी आपको यहाँ पे अपर डिपर मिलेगा, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह, हॉर्न अच्छा साउंड करता है। यहाँ पे आपको बढ़िया सा महिंद्रा का एक और चीज़ जो है एम्बोजिंग मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर आउटलेट, दिन भर गाड़ी चलाओगे नेविगेशन की भी जरूरत पड़ती है, फोन पे बात भी करते हो, तो 12 वोल्ट का चार्जर आउटलेट है, वो अच्छी चीज़ है। वाइपर वगैरह यहाँ पे है, मतलब फंक्शनल है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल गया कि भाई आपको जो है वो सामान वगैरह रखना होता है ना, पैसे वगैरह रखने हैं, कुछ हिसाब किताब, पर्चियाँ, गाड़ी के कागज़ वगैरह, वो यहाँ पे आपकी उतनी जगह है कि वो आ जाएगा। ये आपको ब्रेक मिलता है, ब्रेक अच्छा मिलता है एक्चुअली, जो ब्रेक है ना वो आपका बढ़िया वाला है, मतलब काफ़ी अच्छे से काम करेगा वो, क्योंकि वो आगे भी आता है पीछे भी आता है, तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में है। गाड़ी की अगर रेंज की बात करें तो 130 किलोमीटर का महिंद्रा रेंज क्लेम करते हैं, और इतना रियलिस्टिक रेंज मिलता है क्योंकि लिथियम आयन की बड़ी बैटरी इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जो इसमें बढ़िया देखने को मिलेगी कि क्विक चार्ज होती है, अगर आप 3 घंटे के आसपास का एक ब्रेक भी लेते हो ना, तो वो गाड़ी दोबारा से चेंज, तो 2 शिफ्ट आप दिन में कर सकते हो, मतलब 150-200 किलोमीटर भी दो ड्राइवर मिलकर इस गाड़ी को चला सकते हैं। अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कि पीछे क्या सिस्टम है, भाई पीछे कैसे सवारियाँ बैठती है। देखो मैं तो लंबा हूँ, मैं तो यहीं से बैठ के जाऊँगा आज, मैं नहीं जा रहा उधर से, पर मेरे कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो उधर से आ जाए ताकि वो दिखा सके। भाई मैं तो दिखा रहा था आपको ऐसे ही, अब भाई हम भी तो वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप देखो बैठो, मैं 6 फिट का हूँ, मेरे ऊपर कहीं सन नहीं टकरा रहा है, साइड में बराबर जगह है, 3 लोग बैठेंगे, बहुत सुकून से बैठेंगे, और आगे की तरफ पैरों में जगह बहुत है। अगर मेरे पास एक कोई बैग है, मेरे पास एक ट्रॉली बैग है, कोई बेसिक बैग है, मैं यहाँ पैरों में भी रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी थोड़ी बड़ी मतलब लैपटॉप बैग जितनी पीछे भी जगह वगैरह मिलती है, और ये हैंडल वगैरह बैठ के, ग्रैब हैंडल्स वगैरह बैठ के पकड़ के मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पैसेंजर के लिए भी, सेंटर पैसेंजर के लिए भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीट का कुछ नहीं, सिटिंग एंगल, पोस्चर और स्पेस सफिशियंट है। तो ये कुछ बातें हैं महिंद्रा के बारे में, और मैंने विद्युत फाइनेंस के बारे में तो आपको बताया कि भाई कितना बढ़िया जो है ये सिस्टम है, और इनका कितना बढ़िया जो है काम है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं कि भाई इसमें देखो महिंद्रा ने कितना बढ़िया काम किया कि जो उसकी हाइट रखी है वो कम रखी है, जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि ऊपर नीचे आप आराम से जा सकते हो, मतलब बुजुर्ग बैठ रहे हैं, कभी बच्चे बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेट भी दे रखे हैं तो आराम से वो कार वाली फीलिंग भी आती है। 12 इंच के टायर, पीछे की तरफ कमानियाँ आती हैं, चूँकि अच्छी बात है नीचे की तरफ एक मोटर लगी हुई है जो कि 8 किलोवाट का पावर जनरेट करती है, पीक पावर, और 42 न्यूटन मीटर का उसमें टॉर्क निकल के आता है। तो भाई ये कुछ बातें हैं इस गाड़ी के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार विद्युत फाइनेंस से आप इंक्वायरी ज़रूर ले लीजिए कि भाई कैसे क्या करते हैं, उनका क्या सिस्टम है, कैसे कितने में गाड़ी पड़ेगी, क्योंकि आपको काफ़ी कम में जो है वो गाड़ी ओवरऑल पड़ने वाली है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, कन्फ्यूजन के लिए कमेंट खुला हुआ है आपके पास, नंबर हमारे नीचे आपके आ ही रहे हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।